हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आठवीं कक्षा के हिंदी लिटरेचर के कविता को पढ़ाएंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ भी बताएंगे। कविता का नाम है मजदूर और इसके कवि का नाम है देवराज दिनेश। इस कविता में मजदूर के त्यागों और परिश्रम का वर्णन किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मजदूर वर्ग की दीन दशा का वर्णन किया है। कवि यह कहना चाहता है कि श्रमिक और मजदूर वर्ग ने समाज का निर्माण किया है। मजदूर सदियों से धरती को स्वर्ग सा सुंदर और सुखमयी बनाता आया है। वो स्वयं अभावों में यानी कष्टों में रहकर भी दूसरों के लिए सुख के साधन निर्मित करता है। कोई अन्न उगाता है, कोई घर बनाता है और कोई बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, लेकिन उनकी दीन दशा पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, फिर भी मजदूर खुश है। तो चलिए हम कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ आपको इसका भावार्थ भी बताते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मजदूर कहता है कि मुझे अमीरों की बस्ती से क्या लेना देना है। यहाँ पर जो देवों की बस्ती है, इसका मतलब है अमीरों का नगरी यानी संपन्न लोगों का नगर। तो मजदूर कह रहा है कि मुझे अमीरों की बस्ती से, नगरों से क्या लेन देन है। अगणित, अगणित का मतलब होता है अनगिनत। मजदूर कहता है कि मैंने अनगिनत बार धरती पर स्वर्ग बनाए हैं। मजदूर वर्ग से हमारा समाज प्रगति करता है और इसे कोई भी नहीं समझता है। नेक्स्ट देखिए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। अब मजदूर कह रहा है कि आसमान में जितने भी तारे हैं यानी अनगिनत तारे, उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने यानी पूर्वजों ने धरती के रूप को संवारा है। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। अब मजदूर कहता है कि इस धरती को सुंदर बनाने के लिए हमारे वंश यानी हमारे कितनी पीढ़ियां बिता चुका है, कितनी पीढ़ियां, कितने हमारे जो पूर्वजों हैं, इसको सुंदर बनाने के लिए, धरती को सुंदर बनाने के लिए बिता चुका है। और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। मजदूर को इतना भी विश्वास है कि आगे आने वाली जो सदियां हैं, जो समय हैं, उसमें मेरे जो वंश हैं, वंश के लोग हैं यानी उनके जो बच्चे हैं, इस धरती को उद्धार करेंगे यानी धरती को सुंदर रूप देंगे। इस प्यासी धरती के हित मैं ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। हिमगिरी चीर, हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय और चीर मतलब काट कर। इस प्यासी धरती की, मजदूर कहता है कि इस प्यासी धरती की हित के लिए अर्थात भलाई के लिए इस धरती में गंगा की धारा को लाने का श्रेय भी मजदूर का ही है, क्योंकि मजदूर ही जिसने हिमालय को काट कर गंगा के लिए रास्ता निकाला था। हिमगिरी चीर कर मतलब हिमालय को काट कर, उन्होंने ही हिमालय को काट कर गंगा के लिए रास्ता निकाला था। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर बंधा धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या।
फिर मजदूर कहता है कि रेगिस्तान के जो रेत थी, बंजर जगह थी, रेत को धो धोकर बंजर भूमि पर भी मैंने ही सोने के समान फूल खिला दिए, यानी रेगिस्तान के जो बंजर जगह था उस जगह पर भी मैंने अपनी मेहनत के बल से सोने के समान फूल खिला दिया है। मैं मजदूर हूँ, मजदूर कहता है कि मैं मजदूर हूँ, मुझे अमीरों की बस्ती से यानी अमीरों की नगरी से क्या लेना देना। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। लेकिन मजदूर को इस बात का दुख है कि वो अपनी जो जीवन की कमियाँ हैं, अभाव है, वो आज तक मिटा नहीं पाया, लेकिन वो दूसरों के जीवन की कमियों को ज़रूर मिटा सकता है। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। फिर मजदूर कह रहा है कि लाख तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए, जितने भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाए, वो कभी भी नहीं घबराता है, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होता है, वो भी अकेला, और वो खुशी से गाते रहता है। गाकर वो अपना मनोरंजन करता है और गाकर वो हर मुसीबतों का सामना भी करता है। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। फिर मजदूर कहता है कि मैं जो एक सर्वनाम शब्द है, ये मैं एक जो व्यापक है, यानी ये मैं शब्द पूरे श्रमिक वर्ग, पूरे मजदूर वर्ग के लिए है, इसमें अगणित अनगिनत प्राणी आ जाते हैं। तो यहाँ अनगिनत प्राणी का मतलब है जितने भी क्रियाशील प्राणी हैं, जो भी इस दुनिया में मेहनत से काम करते हैं अपने गुजारा के लिए, सभी कोई मजदूर है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई भी ऐसा इंसान हो जो अपने परिश्रम के बलबूते पर खड़ा है, अपना परिश्रम के बल पर ही अपना गुजारा करता है, वे सारे इस मैं के अंतर्गत आ जाता है। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूँ। मतलब मजदूर को अपने आप पर इतना भरोसा है कि मजदूर कह रहा है कि वो खंडर को भी फिर से महल बना सकता है। जब जब भी मैंने खंडर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। अब मजदूर कह रहा है कि वो खंडर को भी आबाद कर सकता है, इतनी ताकत उस पर है, लेकिन उसकी शक्ति के सामने जितने भी प्रलय आते हैं, बादल आते हैं, भूचाल आते हैं, वो भी उसके सामने झुक जाते हैं, शर्मा जाते हैं। मजदूर कहता है कि मुझे अपनी शक्ति पर गर्व है, मुझे क्या मतलब है अमीरों की बस्ती से। युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने। मजदूर कह रहा है कि वो युगों युगों से, यानी बहुत साल हो गए हैं, वो एक ही काम करता जा रहा है झोपड़ी में रह कर के, यानी बहुत साल से वो अपने मेहनत के बल पर वही काम कर रहा है झोपड़ियों में रह कर, लेकिन वो दूसरों के लिए महल सजा रहा है। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रह लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाते।
मजदूर कह रहा है कि ऐसे ही मेरे कितने साथी जो भूखे रहकर दूसरों के लिए अन्न उगा रहा है। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूं। मजदूर कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने सुख सुविधा के लिए अपने लिए कुछ साधन ढूंढ लूं। उतने समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं दूसरे की भलाई के लिए ही हमेशा काम करता हूं। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या? मेरी बाहें जिनके धरती रही खजाने, पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या? अब मजदूर कह रहा है लेकिन क्या उन लोगों को नहीं लगता कि मेरे लिए भी कुछ करना चाहिए, मेरे खातिर कुछ करना चाहिए? मेरी बाहें जिनके भरती रही खजाने, मेरी बाहें तो सारा दिन मेहनत करने में लगा रहता है, यानी दूसरों की खजाने को भरने के लिए सारा दिन मेरा जो ये दोनों हाथ है वो मेहनत करने लगता है ताकि हम दूसरे के लिए खजाना भर सके और महल बना सके। अपने घर के अंधकार की मुझे ना चिंता, मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। यहाँ मजदूर कह रहा है कि चाहे अपने घर में अंधेरा हो, दीपक का एक भी रोशनी ना हो, लेकिन मैंने हमेशा तो दूसरे के घर के दीप को जलाए। अर्थात अगर किसी का भी घर ध्वंस हो गया, किसी का भी बनाया हुआ घर टूट गया तो तुरंत हम जाकर उसको फिर से बना देते हैं। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मजदूर कहता है कि मुझे धनिकों के यानी धनियों के संपन्न वर्ग के नगर से क्या लेना देना, मैंने तो अनगिनत बार इस धरती को स्वर्ग बना दिया, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। मैंने इस संसार का निर्माण इन्हीं हाथों के बलबूते पर किया, लेकिन दुनिया हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचता है। तो बच्चों, अगर आपको इस कविता अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।